गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम लोग क्लास 8 का चॉकलेट क्रीम सोल्जर का पार्ट 2 ले रहे हैं। पार्ट 1 हमने लास्ट टाइम दिया था, पार्ट 2 हम आगे से चालू करेंगे। नाउ ब्लंटली बोलता है यू आर एन एंजल। तो जब वो इसको चॉकलेट ऑफर करती है, ऑल दो ये चॉकलेट का बॉक्स होता है बट उसमें काफ़ी कम चॉकलेट होती है, तो ही गॉबल्स द कंटेंट्स, मतलब सॉरी जो भी था वो एकदम से ले लेता है। क्रीम्स डिलीशियस, ही लुक्स अनएक्सेसली टू सी वेदर देयर आर एनी मोर। उसमें थोड़ा देखता है कि कुछ बची है कि नहीं बची है। देयर आर नन, कुछ भी नहीं था। ही कैन ओनली स्क्रेप द बॉक्स विथ हिज फिंगर एंड सक देम। खाली बॉक्स में फिंगर से उसने कुछ कुछ छोटे छोटे टुकड़े लिए होंगे और उनको चाटने लगा। ओके, वेन द न्यूरिशमेंट इज एग्जॉस्टेड ही एक्सेप्ट द इनएविटेबल विद पैथेटिक गुड ह्यूमर एंड सेज विद ग्रेटफुल इमोशंस, ब्लेस यू डियर लेडी, यू कैन ऑलवेज टेल एन ओल्ड सोल्जर बाई द इनसाइड ऑफ हिज होल्स्टर एंड कार्ट्रिज बॉक्सेस। तो जब वो जो बचा कुछ था वो भी ख़त्म हो गया, तो उसने एक उसको जो लेडी जिसने उसको दिए था रैना ने, उसको थैंक यू बोला और वो एक बोला कि यू कैन टेल ऑलवेज टेल एन ओल्ड सोल्जर बाई द इनसाइड ऑफ हिज होल्स्टर एंड कार्ट्रिज बॉक्स। तो एक ओल्ड सोल्जर के बारे में आप कैसे बोल सकते हो कि उसके पास या तो कार्ट्रिज बॉक्स रहेंगी या उसके साथ चॉकलेट भी रहेगी। द यंग वंस कैरी पिस्टल्स एंड कार्ट्रिज, द ओल्ड वंस ग्रब। तो जो यंग सोल्जर होते हैं उनके पास में या तो उनके पास तो पिस्टल और कार्ट्रिज रहते हैं, और ओल्ड सोल्जर्स के पास में खाने पीने की चीज़ें। तो इस तरह से उसको थैंक यू बोला। ही हैंड्स बैक द बॉक्स, शी स्नैच इट कंटेम्पटेटली फ्रॉम हिम एंड थ्रो इट अवे। तो उसने ये जो सोल्जर था उसको अजीब सा लगा, तो जैसे ही उसने बॉक्स दिया उसने एकदम से उसे छीन लिया और उसको फेंक दिया। ही शाइज अगेन एज इफ शी हैड मीन्ड टू स्ट्राइक हिम। तो उसको थोड़ा शर्म सी लगी, उसको ऐसा लगा कि वो उसको तो मार रही है, मतलब उस बॉक्स से। ओह डोंट डू थिंग्स सो सडनली ग्रेसियस लेडी, इट्स मीन टू रिवेंज योरसेल्फ बिकॉज आई फ्राइटन यू जस्ट नाउ। वो बोल रहा है कि इतनी सडनली ये चीज़ें मत करो करके वो बोल रहा है। इट्स मीन्स टू रिवेंज योरसेल्फ बिकॉज आई फ्रेटेंड यू जस्ट नाउ। क्या तुम बदला लेने चाह रहे हो क्योंकि मैंने तुमको डरा दिया था। रैना बोलती है लॉफ्टली, फ्राइटेंड मी, डू यू नो सर दैट दो आई एम ओनली ए वूमन, आई थिंक आई एम एट हार्ट एज ब्रेव एज यू। रैना बोलती मुझे डरा दिया, क्या सोच रहे हो, जैसे ऑल दो वूमन हूँ बट मैं उतनी हार्ट में ब्रेव हूँ जितनी आप हो। ओके ना वो बोलता है आई शुड थिंक सो, यू हैवेंट बीन अंडर फायर फॉर 3 डेज एज आई हैव। मैं ऐसा सोच सकता हूँ बट तुम अंडर फायर मतलब जब ये तो ये वॉर में था तो तुम तो ऐसे नहीं थी करके। मैं 3 डेज से लास्ट 3 डेज से मैं वॉर में था। आई कैन स्टैंड 2 डेज विदाउट चूइंग इट मच का मत दिया है कि वो कुछ दिन तक लड़ सकता है, 2-3 दिन तक, 2 डेज तक, बट नो मैन कैन स्टैंड 3 डेज, बट कोई भी मैन 3 डेज तक नहीं लड़ सकता करके वो बोल रहा है। आई एम एज नर्वस एज माउस, मैं इतना ही नर्वस हूँ जितना माउस एकदम घबराया हुआ रहता है वैसा हूँ। ही सिट्स डाउन ऑन द ऑटोमैन एक स्टूल था, एंड टेक हिज हेड इन हिज हैंड्स, वुड यू लाइक टू सी मी क्राई, क्या तुम मुझे रोते हुए देखना चाहते हो। राइना अलार्म नो। देन वो बोलता है इफ़ यू वुड All you have to do is to scold me just as if I were a little boy and you are my nurse. तो बोलता है अगर तुम मुझे रोता हुआ देखना चाहते हो तो बस तुमको यही करना है, मुझे डांटना है, मैं जैसे कोई छोटा बच्चा हूँ और तुम कोई नर्स हो। If I were in camp now, they had play all sorts of tricks on me. अगर मैं वहाँ कैंप में रह जाता तो मतलब जो एनिमी जो है मुझे पकड़ लेते और सब कुछ मुझे परेशान करते। देन या ओके रैना बोलती है ए लिटिल मूड, आई एम सॉरी आई वॉन्ट स्कोल्ड यू।
टच बाय दी सिंपैथी इन हर टोन ही रेजेस हिज हेड एंड लुक्स ग्रेटफुली एट हर ओके शी इमीडिएटली ड्रॉज बैक एंड से स्टिफली यू मस्ट एक्सक्यूज मी आवर सोल्जर्स आर नॉट लाइक दैट शी मूव्स अवे फ्रॉम दी ऑटोमन। तो जब वो बोला कि उसको एनिमी उसको बहुत परेशान करते तो वो रैना बोलती आई एम सॉरी मैं तुमको नहीं डांटूंगी बट हमारे सोल्जर इस तरह से नहीं है जिस तरह से तुम बोल रहे हो। देन ये लोग बोलते हैं ओ यस दे आर ओनली टू सॉर्ट्स ऑफ सोल्जर्स ओल्ड वंस एंड यंग वंस। नहीं वो ऐसे ही हैं बोल रहा है हाँ वो ऐसे हैं करके बोल रहा है दो तरह के सोल्जर्स होते हैं वो बोल रहा है एक तो ओल्ड और यंग वंस। आई हैव सर्व 14 ईयर्स हाफ ऑफ योर फेलो नेवर स्मेल्ड पाउडर बिफोर। वो बोल रहा है हाफ ऑफ योर सो फेलोज मतलब तुम्हारे सोल्जर्स जो है नेवर स्मेल्ड पाउडर मतलब उन्होंने कभी बारूद नहीं सूंघा है कारतूस नहीं सूंघा उन्होंने कभी भी। इस तरह से उसने उसको बोला। देन वाई हाउ इज इट दैट यू हैव जस्ट बीटन अस बट किस तरह से आप लोगों ने हमको हरा दिया करके वो बोल रहा है मतलब आप लोग के सोल्जर ने हमको हरा दिया। शीयर इग्नोरेंस ऑफ द आर्ट ऑफ वार नथिंग एल्स क्योंकि आपको वार करने का आर्ट नहीं आता है और कुछ नहीं मतलब आपके सोल्जर्स को वार करना नहीं आता आर्ट नहीं आती है इसकी और कुछ नहीं। इंडिग्नेंटली बोलता है आई नेवर सॉ एनीथिंग सो प्रोफेशनल सो अनप्रोफेशनल एंग्रीली थोड़ा इंसल्टेड वे में बोलता है मैंने कभी इस तरह से इंडिग्नेंटली का मतलब है कभी भी मतलब एंग्रीली और थोड़ा फीलिंग इंसल्टेड बोलता है मैंने इस तरह का अनप्रोफेशनल बिहेवियर कभी भी नहीं देखा। तो नायना बोलती है ओह वाज इट अनप्रोफेशनल टू बीट यू। देन ये बोलता है वेलकम इज इट प्रोफेशनल टू थ्रो ए रेजिमेंट ऑफ कैवलरी ऑन ए बैटरी ऑफ मशीन गन्स। तो क्या ये प्रोफेशनल है कि भी आप रेजिमेंट अपनी कैवलरी मतलब होती है जो मिलिट्री होती है हॉर्समैन की उसको मशीन गन के सामने आप भेज दो मशीन गन से जो मतलब हमारे पास मशीन गन थी और वो आपकी जो रेजिमेंट्री थी वो एक हॉर्सेस में थी और उनके पास कुछ ज़्यादा मतलब एमुनेशन नहीं था मतलब उनके पास इतने मशीन गन इस तरह के एडवांस वो सब नहीं थे कुछ नहीं थे। विद डेट सर्टनटी दैट इफ़ द गन्स गोज ऑफ नॉट ए हॉर्स मैन विल एवर गेट इन टू 50 विदिन 50 यार्ड्स ऑफ द फायर। और इतनी पूरा सर्टेन था कि अगर हमने गन चला दी तो एक भी घोड़ा या एक भी आदमी नहीं बचेगा। आई कुड नॉट बिलीव माई आईज व्हेन आई सॉ इट और आई कैन नॉट मतलब उसको बिलीव नहीं हुआ जब ये लोग आ रहे थे। देन रायला इक्वली टर्निंग टू हिम एज ऑल हर एंथुसियाज्म एंड हर ड्रीम्स ऑफ ग्लोरी रश बैक ऑन हर डिड यू सी द ग्रेट कैवलरी चार्ज ओ टेल मी अबाउट इट डिस्क्राइब इट टू मी। तो रैना बोलती है कि बड़े ही एक्साइटमेंट में क्या तुमने कैवलरी जो हमारी जो कैवलरी थी उसको चार्ज करते हुए देखा डिस्क्राइब करो मुझे। यू नेवर ये बोलता है यू नेवर सॉ ए कैवलरी चार्ज डिड यू क्या तुमने कभी देखा नहीं है। पूछता है हाउ कुड आई मैं कैसे देखूँगा देखूँगी उभर के रैना बोलती है। देन ब्लंशली बोलता है ओह परहैप्स नॉट नो ऑफकोर्स नॉट वेल इट्स फनी साइट वो एक फ़नी साइट थी इट इज़ ए लाइक स्लिंगिंग ए हैंडफुल ऑफ पीस अगेंस्ट ए विंडो पेन विंडो ऐसे विंडो मतलब विंडो ग्लास में किसी को आप जैसे पीस फेंकते हैं छोटे छोटे दाने फेंक देते हैं उस तरह का था ये। फर्स्ट वन कम पहले एक छोटा सा एक दाना आता था देन टू एंड थ्री क्लोज बिहाइंड हिम और दो तीन लोग उसके पीछे पीछे एंड देन ऑल द रेस्ट इन ए लंप और एकदम बाकी के जो है एकदम लम झुंड बना के आते हैं ओके। देन रैना हर हाइज डायलेटिंग एज शी रेजेज हर क्लैब्स हैंड एस्केटेसली यस फर्स्ट वन द ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव अच्छा द पहला वाला द सबसे बहादुर आदमी। द प्रिंसिपल बोलता है प्रोसिकली प्रोसिकली मतलब बोर्ड और डल मैनर बोल रहा हूँ यू शुड सी द पुअर डेविल पुलिंग एट हिज हॉर्स तुम उस पुअर डेविल को देखना चाहिए था जो अपने हॉर्स को खींचता हुआ ला रहा था। वाई शुड ही पुल एट हिज हॉर्स अपने हॉर्स को क्यों पुल करेगा रैना बोलिए। एम्बुलेंस बोलता है इम्पेशेंट ऑफ ए सो स्टूपिड
सो स्टूपिड क्वेश्चन करके सोचता है। इट्स रनिंग अवे विथ हिम, ऑफ कोर्स वो उसके साथ भाग रहा था, ऑफ कोर्स। डू यू सपोज द फेलो वांट्स टू गेट देयर बिफोर द अदर्स एंड बी किल्ड, क्या तुम ऐसा सोचते हो कि कोई पर्सन जो है वो मरना चाहता हो जो सबसे पहले। देन दे ऑल कम, उसके बाद सब बाकी लोग आए। यू कैन टेल द यंग वंस बाय देयर वाइल्डनेस एंड देयर स्लैशिंग। यंग वंस जो थे सबसे पहले आए, वो एकदम वाइल्ड थे, मतलब छोटे एकदम सा अटैक कर रहे थे। द ओल्ड वंस कम बंच अप अंडर द नंबर वन गार्ड, और बाकी जो पीछे पीछे जो ओल्ड वाले थे सोल्जर्स, वो बंच बना के आ रहे थे, झुंड बना के आ रहे थे, आगे सबसे आगे वाले के पीछे पीछे। दे नो दैट दे आर मियर प्रोजेक्टाइल्स, उनको पता था ये खाली प्रोजेक्टाइल्स है, मतलब ऐसे खाली भाग रहे हैं। एंड दैट्स नो यूज़ ट्राइंग टू फाइट, और कोई फ़ायदा नहीं फाइट करने का। द वूंड्स आर मोस्टली ब्रोकन नीज फ्रॉम द हॉर्सेस कैनोइंग टूगेदर, और जो उनके वूंड्स हो रहे थे, जो उनके जो इंजरी हो रही थी, वो खाली घोड़े जो आपस में टकरा रहे थे उनके कारण उनको थोड़ी इंजरी हो रही थी, और कुछ नहीं थी। देन रैना बोलती है, ओह बट आई डोंट बिलीव द फर्स्ट मैन इज़ कावर्ड, आई नो ही इज़ हीरो, मैं नहीं सोचती कि पहला वाला आदमी जो है डरपोक होगा, मुझे पता है वो हीरो है। देन वो बोलता है, गुड होमली, दैट्स वॉट यू वुड हैव सेड इफ यू वुड हैव सीन द फर्स्ट मैन इन द चार्ज प्लेन, अगर तुमने देखा होता तो तुम बोलती करके, वो बोल रहा है। देन रैना ब्रीथलेस फॉर गिविंग हिम एवरी थिंग, ओह आई न्यू इट, टेल मी अबाउट हिम, वो रैना बोलती बताओ उसके बारे में कुछ बताओ। देन ये बोलता है, ही डिड इट लाइक ए ऑपरेटिक टैनर, ऑपरेटिक टैनर का मतलब यहाँ पर दिया है ये श्रिंकिंग से, मतलब कांप रहा था डर के मारे, मतलब डर के मारे एक आवाज़ निकाल रहा था, हाई पिच वॉइस में कुछ बोल रहा था। ए रेगुलर हैंडसम फेलो विथ फ्लैशिंग आइज एंड लवली मुस्ताज, शाउटिंग इज वार क्राई एंड चार्जिंग लाइक डॉन क्विक्सटो एट द विंड मिल्स वी डिड लव, तो ऐसा उसने पर्सन को डिस्क्राइब किया, फिर बोला हम लोग उसके ऊपर हंस रहे थे। यू डेयर टू लाफ, रैना बोली, या यस बट वेन द सर्जन रेन अप एज ए वाइट एज ए शीट एंड टोल्ड अस दे आर दे हैड दे वुड दे हैड सेंट अस द रॉन्ग एमिनिशंस, तब बट हमारा सर्जन भागा भागा आया एज ए वाइट शीट, मतलब एकदम वो घबराया हुआ था और उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी, क्योंकि वो आके मैसेज लाया कि उन्होंने रॉन्ग कारतूस भेज दिए हैं, मतलब जो उनके लिए सूटेबल नहीं थी उनकी गन्स के लिए। एंड दैट वी कुड नॉट फायर अराउंड फॉर द नेक्स्ट 10 मिनट्स, और हम लोग 10 मिनट तक कुछ फायर कर ही नहीं पाए। वी लाफ्ड एट द अदर साइड ऑफ द ऑफ आवर माउथ्स, अब हमारे हंसने की हमारे ऊपर खुद के ऊपर हंसने की बारी थी। आई नेवर फेल्ट सो सिक इन माई लाइफ, दो आई हैव बीन इन वन और टू टाइट प्लेसेस एंड आई हैड नॉट एवर ए रिवॉल्वर कार्ट्रिज ओनली चॉकलेट, तो मेरे साथ ऐसी दो दो तीन बार सिचुएशन हो चुकी है, बट ऐसी सिचुएशन कभी भी नहीं हुई, और हम लोग एकदम से घबरा गए। वी हैड नो बेनोट्स, बेनोट्स मतलब जो गन के आगे जो नाइफ लगा रहता है उसको बोलते हैं, नथिंग, हमारे पास कुछ भी नहीं था। दैट मीन उनके पास गन नहीं थी, गन थी बट गन के अंदर कारतूस नहीं थे, और जो गन थी उनके पैर भी बेनोट नहीं थे, मतलब उनके नाइफ नहीं लगे, तो मतलब उनके पास लड़ने के लिए कुछ था ही नहीं। एंड ऑफ कोर्स दे जस्ट कट अस टू बिट्स, और उन्होंने आके हम लोग को टुकड़े टुकड़े कर दिए, मतलब उनकी पूरे उनको तहस नहस कर दिया। एंड देर वॉज ए डॉन किस्टो फ्लरिशिंग लाइक ए ड्रम मेजर, और जो सबसे पहले जो चार्ज कर रहा था वो मेजर बना हुआ था, थिंकिंग ही हैड डन द क्लेवरेस्ट थिंग्स एवर नोन वेयर एज ही ऑट टू बी कोर्ट मार्शल फॉर इट, और वो सोच रहा था कि जैसे उसने बहुत बढ़िया काम किया बट उसको कोर्ट मार्शल करना चाहिए था, क्योंकि इनके पास तो हथियार थे ही नहीं, फिर भी उन्होंने इनके ऊपर अटैक किया। एंड ऑफ ऑल द फूल्स एवर लेट लूज ऑन ए फील्ड ऑफ बैटल दैट मैन मस्ट बी ए वेरी मैडेस्ट, और जो सारे बेवकूफ़ लोग जो वहाँ पे उस फील्ड बैटल में वार में थे, उसमें से सबसे पागल यही था। ही एंड हिज रेजिमेंट सिंपली कमिटेड सुसाइड, उन्होंने सिंपली सुसाइड करने के लिए सोच रखी थी। ओनली द पिस्टल मिस्ड फायर दैट्स ऑल, ओनली हमारे पास फायर नहीं थी, अदरवाइज वो लोग सब लोग मर जाते, मतलब इन लोग के पास खाली गन नहीं थी, अगर इनके पास गन होती तो वो सारे के सारे मारे जाते करके वो बोल रहा है।
देन रैना बोलती है, डीपली वॉन्डेड विथ बट स्टेडिली स्टेड फास्टली लॉयल टू हर आइडियल्स इंडीड वुड यू नो हिम अगेन इफ यू सॉ हिम। जो चार्ज कर रहा था, क्या तुम उसको पहचान लोगे अगर तुमने उसको देखा तो। यस शेल आई फॉरगेट हिम, मैं कभी उसको भूलूंगा ही नहीं करके बोल रहा है। शी अगेन गोज टू द चेस्ट ऑफ द ड्रॉअर्स, ही वॉचेस हर विद ए वेग होप दैट ही वॉचेस हर विद ए वेग होप दैट शी मे हैव समथिंग मोर फॉर हिम टू ईट। तो वो वापस ड्रॉअर मतलब के पास गई, टेबल के पास गई उसमें से, तो ये सोच रहा था कि ऐसा हो सकता है कि वो और कुछ खाने के लिए ला रही हो उसके लिए। सी टेक ए पोर्ट्रेट फ्रॉम इट स्टैंड एंड ब्रिंग इट टू हिम, बट वो एक पिक्चर लेके आई। रैना बोलती है, दैट्स अ फोटोग्राफ ऑफ द जेंटलमैन द पेट्रियट एंड द हीरो टू हुम आई एम बीट थ्रॉटेड। तो वो पिक्चर लेके आई, बोली ये जेंटलमैन है जो जो एक बहुत कंट्री के लिए पेट्रियट है, मतलब कंट्री के लिए बहुत सोचने वाला है और हीरो है, और मैं जिसके साथ एंगेज हूँ, मतलब ये उसके साथ उसकी मैरिज होने वाली थी। ओके देन वो बोलता है, रिकॉग्नाइजिंग इट विद अ शॉक, और हाँ यही है करके वो उसको समझ में आ गया। आई एम रियली वेरी सॉरी, अब उसको थोड़ा सॉरी फील हो क्योंकि वो अभी तक उसका मजाक उड़ा रहा था। वॉज इट फेयर टू लीड मी ऑन, ही लुक्स एट पोर्ट्रेट अगेन, येस दैट डाउन क्विकस्टो नॉट अ डाउट ऑफ इट, हाँ ये वही पर्सन है। ही स्टिफल है, लाफ स्टिफल मतलब अपने उसने किसी तरह हंसी रोकी। डू यू लाफ, वो पूछी। नो बट स्टिल ग्रेटली टिकल्ड, आई डिडेंट, बोला नहीं, बट फिर भी मनी मन हंसे जा रहा था। आई डिडेंट लाफ आई अश्योर यू, एटलीस्ट आई डिड नॉट मीन टू, बट मेरी बोल रहा है मैं नहीं हंसा, मैं आपको अश्योरेंस देता हूँ, बट मेरे हंसने की कोई वो मंशा नहीं है। बट वैन आई थिंक ऑफ हिम चार्जिंग द विंड व्हील्स एंड द इमेजिनिंग ही वॉज डूइंग द फाइनेस्ट थिंग ही चोज विद द सप्रेस लाफल, बट जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ कि वो इस तरह से चार्ज कर रहा था और सोच रहा था कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, फिर भी वो अपनी इस तरह से वो अपनी हंसी रोके हुआ था। रहेगा, गिव मी बैक द पोर्ट्रेट सर, मुझे मेरी पिक्चर वापस दे दो। देन ये बोलता है, विद सिंसियर रिमोर्स, ऑफ कोर्स सटेनली आई एम रियली वेरी सॉरी। ही हैंड्स हर द पिक्चर, शी डिलिबरेटली किसेस इट एंड लुक हिम स्ट्रेट इन द फेस बिफोर रिटर्निंग टू द चेस्ट ऑफ द ड्रॉअर टू रिप्लेस इट। तो उसने सॉरी बोल के उसको पिक्चर दी, उसने पिक्चर को ले लिया, किस किया और उसको देखने लगी, फिर बाहर ड्रॉअर में जाके वापस रख दिया। ही फॉलोज सर अपोलाइजिंग, वो पीछे पीछे गया थोड़ा शर्मिंदा होते हुए, मतलब सॉरी बोलते हुए। परहैप्स आई एम क्वाइट रॉन्ग यू नो, नो डाउट नो डाउट आई एम, मैं हो सकता है मैं शायद हो सकता है मैं गलत हूँ, नो डाउट मैं गलत ही हूँ। मोस्ट लाइकली ही गॉट विंड ऑफ द कार्ट्रिज बिजनेस सम हाउ एंड न्यू इट वॉज ए सेफ जॉब। हो सकता है कि उसको मालूम पड़ गया कि हमारे पास में कार्ट्रिज नहीं है और इसलिए उन्होंने अटैक कर दिया हो हमारे ऊपर, और अटैक करना सेफ समझा। तो किसी तरह अपनी हंसी को और उसकी जो इंसल्ट उसने करी थी उसको जस्टिफाई करने में लगा हुआ था। रैना बोलती है, दैट्स टू से ही वॉज ए प्रीटेंडर एंड ए कावर्ड। तो तुम्हारे कहने का मतलब है वो एक जो एक मतलब जिसको प्रीटेंडर बोलते हैं, जो पर्सन हु क्लेम थ्रोन, जो आगे आगे जाके राजा बनने वाला या इस तरह का कोई सिपाही बनने सेनापति बनने वाला हो, और वो एक कावर्ड करके ऐसे बोल रही है। यू डिड नॉट डे दैट बिफोर, देन ये बोलता है विद अ कॉमिक गेस्चर ऑफ डेस्पेयर, इट्स नो यूज क्लियर डियर लेडी, आई कांट मेक यू सी इट फ्रॉम द प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। देन रैना बोलती है, यू आर माई एनिमी एंड यू आर एट माई मर्सी, वॉट वुड आई डू इफ आई वार ए प्रोफेशनल सोल्जर। तो वो बोलती है कि तुम मेरे एनिमी हो और तुम मेरी दया पे हो, मैं क्या करूँगी अगर एक मैं क्या करती अगर मैं एक प्रोफेशनल सोल्जर होती। देन ये बोलता है, ओह ट्रू डियर यंग लेडी, यू आर ऑलवेज राइट, आई नो हाउ गुड यू हैव बीन टू मी, टू माई लास्ट आवर आई शैल रिमेम्बर दैट दोज 3 चॉकलेट्स क्रीम, इट वॉज अनसोल्जरली बट इट वॉज ए एंजेलिक। तो बोलता है कि वाह तुम ऑलवेज राइट थी और तुमने मुझे ये 3 चॉकलेट्स क्रीम दी, मैं उसके लिए थैंकफुल हूँ, और तुम एंजेलिक मतलब कि एंजल की तरह थी।
देन रैले बोलते थैंक यू एंड नाउ आई विल डू सोल्जरली थिंग्स, यू कैन नॉट स्टे हियर आफ्टर वॉट यू हैव जस्ट सेड अबाउट माई फ्यूचर हस्बैंड. मतलब वो इंसल्टेड फील हुई थी और उसको जाने के लिए बोल रही थी. आई विल गो आउट ऑन द बॉल्कनी एंड सी वेदर इट इज सेफ फॉर यू टू क्लाइम डाउन द इन टू द स्ट्रीट, शी टर्न टू द विंडो. तो उसने बाहर जाने के लिए उसको बोल दिया था. तो दिस प्ले वाज जो था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक प्ले था. और ये वीडियो ख़त्म होता है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.